PCR टेस्ट जो कि विद इन 72 आवर्स होना चाहिए वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, और दूसरा हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप पर। और इस वक्त मैं हूँ ज्यूरिख एयरपोर्ट पे और हम जा रहे हैं इंडिया, मतलब काफ़ी टाइम के बाद हम जा रहे हैं अभी इंडिया। कोविड की वजह से अभी ट्रैवल थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमारे प्लान्स पोस्टपोन होते होते अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल बाद हम जा रहे हैं इंडिया, तो इसलिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो इस वीडियो में आप हमारी पूरी जर्नी देखने वाले हैं कि हम ज्यूरिख एयरपोर्ट से हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली, और दिल्ली से जाएंगे फिर नागपुर। सो हमारी एमिरेट्स फ्लाइट है, तो जो भी अभी कैसे ट्रैवल अपडेट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और आप भी देख सकते हैं पूरा हमारे साथ, हमारी जर्नी भी एंजॉय कीजिए। तो ज्यूरिख एयरपोर्ट पे एंटर करने के बाद आपको सामने ही ये डिस्प्लेस दिख जाते हैं जिसमें फ़्लाइट नंबर्स आ रहे होते हैं और उनके सामने उसके टर्मिनल लिखा होता है। तो हमारी फ़्लाइट एमिरेट्स की थी, तो उसके सामने हम देख लिया हमने कि हमारा चेक इन 2 पे आ रहा है। तो 3 ऑप्शंस होते हैं, चेक इन 1, चेक इन 2 या चेक इन 3। तो हमारा चेक इन 2 पे आ रहा था, तो हम अब उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शाम यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो चलो चलते हैं। चलो चेक इन 2। यहाँ पे टर्मिनल 1 है, तो हमारा है टर्मिनल 2 पे, तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली आप जब ट्रेन से आते हैं तो आप आते हैं 0th लेवल पे, उसके बाद पहले चेक इन 3 आता है, ये चेक इन 1 है, और अभी हम 2nd फ्लोर पे हैं, चेक इन 2। मेरा छोटू तो गाइस अभी हम बैग ड्रॉप करने जा रहे हैं, ये हमारे छोटू मोटू, ये बड़े छोटे, तो चलो क्योंकि इनको कैरी करके पूरा घूमना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो पहले हम बैग डाल देंगे। इस यहाँ पे ना वेट कर सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे ऐसा वेट मतलब बैग रख दो, और यहाँ पे डिस्प्ले भी डिस्प्ले होगा कि कितने का केजी हो गया। यहाँ पे देखो यार 13 केजी हो गया, ये भर गया हमारा, और दोनों रख दिए तो 35 केजी दोनों की। और मेरा छोटू, छोटू भी देखते हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। तो इसका वेट देखते हैं अभी, ये हो गया 4.6। सो गाइज अभी हम बैग ड्रॉप करने के लिए आए, तो पहले तो एयरपोर्ट थोड़ा खाली खाली लग रहा था, बट एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट तो पूरी फुल बुकड है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबी लाइन है। तो अभी हमारे ये 3 बैग्स हैं, 2 बड़े बैग हम ड्रॉप करने वाले हैं, और जो ये 2 बैग है वो हम साथ में हैंड लगेज है हमारा। तो चलते हैं, होपफुली जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, फिर आपको दिखाएंगे कैसा होता है। एमिरेट्स का बुरा है, अभी बहुत पास में है। क्या बोलना चाहते हो, कितना एक्साइटेड हो? अरे बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है अभी कब पहुँचेंगे बस। अभी ज्यूरिख में ही है बट पर यहीं पे अभी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और यहाँ पे एक बार हो जाए तो बस फिर दिल्ली तो पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पे अपना देसी नुस्खा लगाते हुए रुमाल बांध दिया कि हमारे बैग हमको पहचान में आ जाए। गाइज हमारा अभी फर्स्ट चेक इन हो गया है, तो हमने बैग्स ड्रॉप कर दिए, और अब हमें जाना है सिक्योरिटी चेक की तरफ। तो हमारे ये है बोर्डिंग पास, तो वहाँ पे उन्होंने बेसिकली चेक किया हमारा RT-PCR टेस्ट जो कि विद इन 72 आवर्स होना चाहिए, वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था, और दूसरा था हमारा एयर सुविधा फॉर्म, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी हम दोनों का वहाँ पे चेक किया, और पासपोर्ट्स वो तो रखते ही हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारी वहाँ पे चेक हुई, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं देखा।
तो चलते हैं अभी। हम तो थोड़ा काफ़ी जल्दी आ गए हैं वैसे, बहुत एक्साइटेड थे तो एयरपोर्ट पे। थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे और जाएंगे हमारे सिक्योरिटी चेक के। और कितना ये भी एक्साइटेड है हमारे तरह। सिक्योरिटी चिकन में ना ये देखो यहाँ पे लिखा है ये क्या ओके है, ये आप सब कुछ ले जा सकते हैं और ये सब कुछ नहीं ले जा सकते सिक्योरिटी चिकन में। ये आप चिकन में डाल सकते हो, चिकन बैग में, कैबिन में नहीं रख सकते। अभी हम सिक्योरिटी चिकन के लिए आ गए और यहाँ पे अभी कैमरा पूरा रख देना पड़ता है तो यहाँ पे हम शूट नहीं कर पाएंगे। हमको हम मिलते हैं सिक्योरिटी चिकन होने के बाद। सो गाइस हमारा सिक्योरिटी चेक अभी हो गया है। तो यहाँ पे तो वो यूजुअली रूल्स थे, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। नॉर्मल आपका लिक्विड्स वगैरह आपके पास 75 ml से कम होना चाहिए वगैरह, बाकी तो ऐसा कुछ खास रूल नहीं था। दैट्स इट। तो अभी हम आ चुके हैं ड्यूटी फ्री सेक्शन में। ड्यूटी फ्री सेक्शन की ये खासियत होती है कि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी अप्लाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। तो आप स्पेशली लीकर वगैरह ऐसी चीज़ें ना यहाँ पे काफ़ी वैरायटी अवेलेबल होती है और वो कम कॉस्ट में अवेलेबल होती है एज़ कम्पेयर टू वो बाहर में आपको क्या उसका रेट होगा, इसलिए ऐसी चीज़ें यहाँ से ली जाती है, मतलब काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। अभी हम ड्यूटी फ्री सेक्शन में आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी ड्रिंक्स होती है, तो यहाँ से अभी फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ लेने वाला हूँ। ये हमने ले लिया और बिल उधर करना है थोड़ा, तो चलो चलते हैं बिलिंग कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह भी हैं, अगर आप चॉकलेट्स में ये हैं तो आप चॉकलेट्स ले सकते हैं। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो गाइस अभी हमारा सब कुछ हो चुका है, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, उसके बाद हमने ड्यूटी फ्री शॉप में भी घूम लिया और अब हम जा रहे हैं हमारे बोर्डिंग गेट्स की ओर। बीच में एक और स्टेप था जो था इमिग्रेशन चेक, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा पासपोर्ट और हमारा स्विस रेसिडेंट परमिट चेक किया। हमारी फ़्लाइट ना गेट ई पे थी और ज्यूरिख एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि मतलब यहाँ पे बीच में ट्रेन चलती है, तो हमारा जो गेट था वो दूसरी साइड पे था एयरपोर्ट के। तो अगर आपका भी आप चेक कर सकते हैं, आपका गेट भी अगर दूसरे टर्मिनल पे है तो आपको ये ऐसी ट्रेन कैच करनी पड़ती है, वो आपको ले जाएगी आपके गेट के ओर। तो हम अभी गेट ई पे जा रहे हैं, मतलब ये शायद दूसरे टर्मिनल पे है तो हमें ट्रेन से जाना पड़ता है। तो ये देख यहाँ से सही दिख रहा है। अभी हम बोर्डिंग गेट पे हैं और अभी वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का, और थोड़ा 15-20 मिनट लगेंगे शायद। तो बोर्डिंग में तो मतलब काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है ये, तो बहुत सारे लोग हैं, तो लंबी लाइन होने वाली है। बट ये जोन्स के हिसाब से अलाउ करते हैं, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली बच्चों और बिजनेस क्लास वगैरह वो सब लोग जाएंगे और फिर हम जाएंगे। यहाँ कल्याण भी बैठी हुई है। मुझे लगा है थोड़ी लेट होगी फ़्लाइट, 3:25 की फ़्लाइट थी, बट अभी तक के हम बोर्ड ही कर रहे हैं तो लेट होगा यार। ठीक है, सामने ना हो बस। चलो गाइस बोर्डिंग टाइम। यस, 3D डबल डेकर है। डबल डेकर है और गाइस हमारी एयरबस 380 है जो डबल डेकर होती है, इसलिए इतने लोग थे। तो आपको अंदर जाके दिखेगा, यहाँ पे देखिए स्टेयर केस है यहाँ पे, तो यहाँ से आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। देखा ये डबल डेकर, तो ऊपर सब फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास होता है। क्या अपना बोर्डिंग सबसे लास्ट में ही था ना, तो सब लोग आगे सब आ गए, तो बहुत ऐसे भीड़ लग रही है। और ये इतने हाँ और इतने ज्यादा दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ से लोग घुस रहे हैं। ठीक है, कॉफी मशीन वगैरह। वैसे कैबिनेट होते हैं अपनी है क्या? ये हमारे सीट्स हैं। अभी हम हमारे सीट पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा आपको एसेसरीज दी जाती है, तो हमें मिलता है देखो एक हेडफोन है और
और उसके बाद ये है कंबल और उसके बाद ये है तकिया। तो आप मस्त से पीछे लगा के आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे है हमारा एंटरटेनमेंट यूनिट, तो यहाँ पे मूवीज़ वगैरह या फिर आपको कुछ सीजन्स वगैरह होते हैं तो दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है। तो आई मतलब इंफॉर्मेशन है और ई मतलब एंटरटेनमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मूवीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और ये उसका कंट्रोल यूनिट है। और यहाँ पे देखिए ये चार्जर वगैरह भी है, तो USB चार्जर है और ये यहाँ का यूरोपियन स्टाइल का चार्जर है। ये है हमारा खाने का टेबल, तो इस पर बेसिकली आपका खाना सर्व होगा। तो लंबी फ्लाइट है, अराउंड आई थिंक 7 to 8 hours की फ़्लाइट है, तो लंबा टाइम है। यहाँ पे दिखाएंगे आपको भी क्या क्या आता है खाने में और क्या क्या दिखते हैं हम इसमें। तो और कल्याणी तो देखिए, मतलब हमेशा की तरह अपने विंडो सीट पकड़ लिया है इसने। यस यस या ये एंटरटेनमेंट यूनिट में देखते हैं क्या क्या मूवीज़ है। देखो यहाँ पे हॉलीवुड, बॉलीवुड, फिर अपने सीजन्स वगैरह सब कुछ होता है। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवीज़ है, तो ये सारी मूवीज़ है इसमें, तो मुझे तो बहुत पसंद है, देखते हैं कौन सी देखनी है। सड़क विशलिस्ट जो कॉलिंग, कौन सी मूवीज़ है भाई ये? शिमला मिर्च, लूट केस अच्छी। हाँ ये है हिंदू की जवानी। अच्छा ये सब न्यू मूवीज़ है, अच्छी खासी बहुत सारी है। ताना जी चलो आप पैक करते हैं। और इसमें यूरोपियन मूवीज़, इंडियन रीजनल लैंग्वेज में भी है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और अभी तो हम सिर्फ मूवीज़ में आए हैं, इसके बाद में यहाँ पे आपको ये भी रहेगा टीवी। टीवी में आपको काफ़ी कुछ रहेगा। तो सीरियल्स दिखेंगे क्या? सीरियल्स मतलब सीजन्स होते हैं, सीजन्स वो नहीं सास बहू वाली नहीं। ये है क्या? ये तो मैं आई बट एमिरेट्स में कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है क्या तेरा? हाँ। तो मेरा कतार भी ट्राई हो गया, एमिरेट्स भी ट्राई हो गया है, उसके बाद में इतिहाद भी ट्राई हो गया है। यहाँ पे ना फ्लाइट के बाहर कैमराज लगे हुए थे और आप उसका व्यू देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हमने जो टेल पे जो कैमरा होता है वो ऑन किया है, तो यहाँ से ये फ्लाइट का व्यू दिख रहा है। ये थोड़ा आगे चलते हैं कैमरा। अच्छा ये नीचे का है, रनवे दिख रहा है इसमें, और ये आगे का है, प्लेन के आगे का कैमरा। टेल कैमरा रखते हैं, ये सही दिख रहा है, ऐसे अपनी फ्लाइट चलाए। और बाहर भी ना कलरफुल मस्त लग रहा है क्योंकि अभी ऑटम सीजन शुरू है। इसके विंडोज देखो यार कैसे हैं, पोछा मारना चाहिए था। इसके विंडोज बहुत ही गंदे हैं, बाहर से थोड़ा एक हाथ लगाना चाहिए था। कर ले क्या बोलते हो? हाँ यार मतलब मतलब अपन तो देख पाएंगे, लेकिन भी लग रही है। बट ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे बेटर दिख रहा है बट शायद कैमरा में इतना सही नहीं आ रहा है। और हमारे सामने एक फ्लाइट लैंड हो रही है। अंग्रेजी मीडियम, मैंने देखा नहीं ये मूवी यार, इरफान खान का मूवी है, देख लेते हैं वही। गेम्स भी आप खेल सकते हैं, तो ये जॉयस्टिक के जैसा है, इसको आप प्रेस करेंगे ना तो ये हाथ में आ जाता है आपके।
फिलिप्स को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बटन्स भी दिए हुए हैं। ये लाइट का बटन है, तो ऊपर रीडिंग लाइट है, तो आप लगा सकते हो। ये जो है ये एयर होस्टेस को बुलाने के लिए है, इसको हम वापस लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, बाकी सीट वगैरह बहुत कंफर्टेबल है, और ये पुश बैक भी होती है तो पीछे भी जाती है। इसी शानदार सीट के साथ हमें मिल रहा है ये बेहतरीन आल्प्स का व्यू। आपको पता ही है, मतलब सीट बेल्ट है ये बांधे रखना पड़ता है। यार ये मास्क बहुत परेशान कर रहा है यार, इतने फ्लाइट में मतलब रेगुलेशन है मास्क पहन के रहना है फुल टाइम, मुश्किल है थोड़ा ये मुझे लग रहा है। ठीक है, बट बीच बीच में थोड़ा निकालना पड़ेगा, इतना टाइम पहन के रहना मुश्किल है। दीदी को बुलाए इतने टाइम से, कम से कम अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक दीदी आई नहीं है। ये दीदी शायद प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, ऑब्वियसली बनाते तो नहीं है ये सब, जब फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले सब कुछ यहाँ पे रखा जाता है फ्लाइट में, और फिर वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेरे ख्याल से बिजनेस क्लास के लिए फ्रेश बनता है, पता नहीं, ऑन डिमांड देखेंगे। कभी बिजनेस क्लास में जाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी मैं मूवी देखूँगा, थोड़ा मूवी देखेंगे, कंटेंट चाहिए होता है बस। हमेशा शशांक कुछ बोले, सुशांत कुछ बोलो, और क्या बोले यार, अभी मूवी देख लेता हूँ। देख ले, देख ले। अभी बहुत भूख और प्यास लग रही है, अभी कुछ खाने के बाद ही। गाइस मेरा जो मील है वो आ गया, मैंने वेजिटेरियन बुलाया था। हाँ, कल्याणी के लिए एशियन वेजिटेरियन मील ऑर्डर किया है, तो इसमें देखिए, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। अभी मील आ चुका है, तो कल्याणी का हमने एशियन वेज ऑर्डर किया था, और मेरा है हिंदू मील, तो इसमें मेरे ख्याल से नॉन वेज होगा, तो बाकी डिशेस तो सेम ही हैं। तो यहाँ पर ये है मसूर का सैलड है, उसके बाद ये है कैरेट की खीर, ये पानी है, और यहाँ पे है हमारे कटलरी पैक, तो स्पून और नाइफ वगैरह ये सब। ये है एक क्रैकर, और ये है शेडार चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये है टॉवल दिया हुआ है, रिफ्रेश टॉवल, एंड ये बटर है, एंड ये एक ब्रेड का पैकेट। और इसमें दिखाता हूँ क्या है, इसमें दिख रहा है भिंडी की सब्ज़ी दिख रही है, और जीरा राइस है, और ये देखते हैं क्या है। ओके, ये बटर चिकन है। राइस, ये बटर चिकन राइस जो है, मतलब बटर चिकन तो बहुत ही स्वाद लग रहा है, और भिंडी की सब्ज़ी अभी तक टेस्ट नहीं करी है, उसको टेस्ट करना। नाइस, भिंडी की सब्ज़ी वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। मतलब तुझे रस्से वाली पसंद नहीं है, बाकी भिंडी मतलब मुझे करारी पसंद है। ये थोड़ी मेरे ख्याल से ग्रेवी काइंड ऑफ भिंडी है, बट टेस्टी है बहुत ही, और बाकी तो टेस्टी है ही। ये टेस्ट करता हूँ, ये तो अलग ही आइटम है। हाँ, कैरेट की खीर, मतलब मुझे पहले लगा था कि हलवा है, बट हलवा नहीं है वो, कैरेट और मिल्क का कुछ बनाया हुआ है खीर, मतलब बहुत ही टेस्टी है, खाना बहुत अच्छा है। बाहर तो अभी सनसेट हो गया है, और यहाँ पे देखिए आप, मतलब डिम लाइटिंग शुरू हो गई है, बहुत ही मस्त लग रहा है फ्लाइट में, और हमारा खाना भी हो चुका है, और हम अभी ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो ड्रिंक्स में वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वाइन से लेकर स्कॉच वगैरह सब कुछ है, पर हम तो मतलब लेते नहीं, तो हमने कोल्ड नहीं लेते, तो मैंने लिया एप्पल जूस, और कल्याणी ने लिया है पेप्सी।
बस अब ये फिनिश करते हैं और आप माहौल देखिए पीछे कैसा है। बाद में अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पे कॉफ़ी आई है अभी, तो अभी हम पहले हाथ सैनिटाइज करके कॉफ़ी लेंगे। बस ये है हमारा फ्लाइट का मैप, तो अभी हम 40,000 फीट पे हैं लगभग और दुबई पे अभी टाइम हो रहा है 9:15। ये हमारी फ़्लाइट है, आप देख सकते हैं पाथ सब कवर करके अभी हम कहाँ पे, अभी मसूल मसूल के ऊपर है, दुबई है यहाँ। यहाँ पे हमारी पूरी फ़्लाइट की डिटेल्स दी हुई है, ज्यूरिख टू दुबई की फ़्लाइट है, इसकी स्पीड देखिए कितनी है, अभी अराउंड 550 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अभी हम 40,000 फीट पे हैं लगभग और आउटसाइड टेम्परेचर इज़ -50°C, मतलब ज़बरदस्त फ्रीजिंग होगा बाहर, और अभी तक के हम 2,000 माइल लगभग तय कर चुके हैं और अभी 2.5 घंटा और, मतलब 1200 माइल्स अभी बचे हुए हैं और ट्रैवल करना है हमें। 11:30 बजे हम पहुंचेंगे, काफ़ी लंबी फ्लाइट है वैसे, बट खाना पीना आते रहता है तो चलता है, क्या होता है, अच्छा लगता है। और हम मूवी देखते हुए रिलैक्स कर रहे थे, अभी हमारी फ़्लाइट उतरने में मतलब 1.5 घंटा और है। यहाँ पे अभी स्नैक्स टाइम हुआ है तो हमें स्नैक्स आए हैं, तो स्नैक्स में है पॉपकॉर्न और ये किटकैट मिली है, और जूस में मैंने लिया है ऑरेंज जूस और कल्याणी ने इस बार लिया है एप्पल जूस। यहाँ पे नहीं स्क्रीन पे आप ऐसे गेम भी खेल सकते हो, तो यहाँ पे देखो शशा मस्त ऐसे काल के रिमोट से खेल रहे हैं। और कैसे रहा सफ़र? सफ़र एकदम मस्त। हाँ अभी हुआ नहीं है बट ये फ्लाइट एकदम सही रही ना, दो तीन मूवीज खेल लिए, अभी गेम खेल रहे हो। अभी हम दुबई में लैंड हो गए हैं, यस वी आर हियर नाउ 11:30 ऑन टाइम, मतलब आधा घंटा मेरे ख्याल से डिले हुआ था लाइक टेक ऑफ में, लेकिन इसने कवर कर लिया और हम पहुंच गए टाइम पर। और बाहर टेम्परेचर है 30°C, मतलब जलने वाली देखते हैं, क्योंकि ज्यूरिख में तो काफ़ी ठंडा है वेदर, अभी ठंडी वहाँ पर शुरू हो चुकी है और यहाँ पर फुल गर्मी है एकदम, तो देखते हैं चेंज वेदर का कैसे बॉडी रिएक्ट कर दिया है, लेट्स सी। थैंक यू बाय। चलो जाए बाहर, बाय बाय बाय। तो गाइज आगे की जर्नी हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।